हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पेपर तेरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th की अकाउंटेंसी की क्लासेस। दोस्तों, इस सीरीज़ के दौरान हम अकाउंटिंग के बिल्कुल बेसिक सीखेंगे और बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सदियों से मुनीम लोग बही खाते रखने का काम करते थे। ये मुनीम लोग आज के अकाउंटेंट हैं और बही खाते का मतलब बुक कीपिंग होता है। सो कन्वेंशनली हम अकाउंटेंसी को बुक कीपिंग बोलते हैं, पर जैसे जैसे बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज हुआ, वैसे वैसे अकाउंटेंट का रोल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग से चेंज होकर एक ऐसे मेंबर के रूप में हो गया जो कि डिसीजन मेकिंग टीम को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। सो अकाउंटेंसी अब एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम बन गया है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अकाउंटिंग की फॉर्मल डेफिनेशन की। तो दोस्तों, अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक इवेंट्स की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड और कम्युनिकेट करते हैं इंटरेस्टेड यूजर्स को। लो भाई, ये तो बड़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन हो गई। तो चलो इस डेफिनेशन को चार हिस्सों में तोड़ देते हैं। फर्स्ट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड पार्ट है इकोनॉमिक इवेंट्स, थर्ड पार्ट है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, और फोर्थ पार्ट है इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, हम इन चारों हिस्सों को एक एक करके पढ़ेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी ट्रेंड में है, तो अपने कपिल शर्मा जी सोचते हैं क्यों ना एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट की जाए। तो सबसे पहले शर्मा जी अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं केएस ई स्कूटर्स के नाम पे। अब इस ई स्कूटर की फैक्ट्री के लिए इन्हें चाहिए होगी जमीन यानी कि लैंड जिस पे फैक्ट्री बनेगी, फिर चाहिए मशीनरी, रॉ मटेरियल, मशीनरी को चलाने के लिए लेबर, फिर जब ई स्कूटर्स रेडी हो जाएंगे तो इन स्कूटर्स को बेचने के लिए चाहिए होगी सेल्समैन, एक सेल्स टीम। मतलब मोटी मोटी बात है कि फैक्ट्री लगाने के लिए शर्मा जी को चाहिए रोकड़ा यानी कि पैसा। तो शर्मा जी मान लीजिए अपनी पर्सनल सेविंग लगाएंगे केएस ई स्कूटर्स कंपनी में। तो यहां आता है हमारा पहला एस्पेक्ट अकाउंटिंग का, जो है बिजनेस एंटरप्राइज, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। दोस्तों, अपने शर्मा जी ने केएस ई स्कूटर्स को पैसा कमाने के लिए स्टार्ट किया होगा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस एंटरप्राइज होती है जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, पर हर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। कुछ ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि एनजीओस, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इनका मोटिव सामाजिक लाभ करना होता है। सो हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी बिजनेस एंटिटी होती है जिसका मोटिव या तो मुनाफा कमाना होता है या फिर सामाजिक लाभ देना होता है। सो दोस्तों, शर्मा जी की केएस ई स्कूटर्स भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, एक बिजनेस एंटरप्राइज है। दोस्तों, अब शर्मा जी अपनी ऑर्गेनाइजेशन केएस ई स्कूटर के लिए लैंड लीज पे लेते हैं, मशीनरी परचेस करते हैं, मशीनरी इंस्टॉल करवाते हैं, लेबर और स्टाफ को हायर करते हैं और ई स्कूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमिक इवेंट्स का। देखो, शर्मा जी ने मशीनरी किसी कंपनी से परचेज की होगी। मान लीजिए ये बोश से मशीनरी परचेज करते हैं और मशीनरी की कॉस्ट है 20 लाख रुपए। सो शर्मा जी ने बोश को 20 लाख रुपए दिए और मशीनरी इनके पास आ गई। सो मशीनरी परचेज करना एक इकोनॉमिक इवेंट है। दोस्तों, इकोनॉमिक इवेंट एक ऐसी घटना होती है जिसमें कुछ ट्रांजेक्शन हों और जिसे मॉनिटरी टर्म्स में मेजर किया जा सके। मतलब इकोनॉमिक इवेंट को पैसे से मापा जा सकता है। ये इकोनॉमिक इवेंट भी दो तरह के होते हैं, फर्स्ट है एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट्स और सेकंड होते हैं इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट्स। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है और भी वीडियोस बनाने के लिए। चलिए पहले देख लेते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं। देखो, जब शर्मा जी ने बोश से मशीनरी परचेज की तो इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी से मशीनरी परचेज की। सो जब भी ऑर्गेनाइजेशन अपने से बाहर किसी के साथ ट्रांजैक्शन करती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल इवेंट्स। और कौन से एक्सटर्नल इवेंट हो सकते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करना, कस्टमर को सेल करना भी एक एक्सटर्नल इवेंट है, क्योंकि हम इसमें कंपनी के बाहर से, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से किसी के साथ डीलिंग कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट्स की। देखो, शर्मा जी ने केएस ई स्कूटर्स में बहुत से डिपार्टमेंट बनाए होंगे, जैसे कि स्टोर्स डिपार्टमेंट जो रॉ मटेरियल स्टोर करता होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो कि स्कूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करता होगा, सेल्स डिपार्टमेंट जो स्कूटर्स को सेल्स करता होगा। अब मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को कुछ रॉ मटेरियल चाहिए तो वो स्टोर्स डिपार्टमेंट से ले लेंगे। अब इस लेन देन में कुछ वैल्यू ट्रांसफर हो रही होगी।
सो जब भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसे हम इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट कहते हैं। और इंटरनल इवेंट हो सकते हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में अपने इम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, ये भी एक इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट है क्योंकि हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रतिदिन बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं। सो नेक्स्ट प्रोसेस आता है इन इवेंट्स या फिर ट्रांजैक्शंस का आइडेंटिफिकेशन करना। आइडेंटिफिकेशन में हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हम कौन सी ट्रांजैक्शन या फिर इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे केएस ई स्कूटर्स में शर्मा जी ने कंपनी को चलाने के लिए कुछ मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई होगी, फिर मान लीजिए अश्नीर ग्रोवर को सीईओ अपॉइंट किया, बोश से मशीनरी परचेज की, कहीं से स्कूटर के लिए रॉ मटेरियल परचेज किया। सो ये सब इवेंट्स होते हैं, बट अकाउंटेंसी में वही इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, मतलब जिनको पैसे से मेजर किया जा सके। सो मैनेजमेंट पॉलिसी बनाना या फिर अश्नीर ग्रोवर को सीईओ अपॉइंट करने के इवेंट को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि पॉलिसी या फिर अपॉइंटमेंट का कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं होता, पर स्टॉक या मशीनरी परचेज करने को हम बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि इसकी फाइनेंशियल वैल्यू होती है। अब आइडेंटिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मेजरमेंट का। अब हमने जो इवेंट्स रिकॉर्ड करने हैं उनको आइडेंटिफाई तो कर लिया, पर इन इवेंट्स की वैल्यू क्या है। तो मेजरमेंट में हम इवेंट्स को फाइनेंशियल टर्म्स में क्वांटिफाई करते हैं, और जो इवेंट्स मॉनेटरी टर्म्स में नहीं रिप्रेजेंट होते उन्हें हम अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, सीईओ अश्नीर ग्रोवर का अपॉइंटमेंट अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि अपॉइंटमेंट में कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होती, बट जब सीईओ को सैलरी दी जाएगी तब हम सैलरी की अमाउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली, जब स्टॉक परचेज किया जाता है तो हम रिकॉर्ड करते हैं कि कितने का स्टॉक परचेज हुआ। नेक्स्ट स्टेप आता है रिकॉर्डिंग का। इवेंट्स की आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट के बाद हम इवेंट्स को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। ये रिकॉर्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, मतलब जो इवेंट पहले हुआ उसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसके बाद वाला इवेंट, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। सो रिकॉर्डिंग में जिन इवेंट्स को आइडेंटिफाई और मेजर किया होता है उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। सो मान लीजिए अपने केएस ई स्कूटर के लिए शर्मा जी ने 15 मई 2023 को 20 लाख की मशीनरी परचेज की, फिर 16 मई को मशीनरी ट्रांसपोर्ट होकर फैक्ट्री में आ जाती है और ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा होता है 50,000, फिर 17 मई को साइट प्रिपरेशन होती है जहां पे मशीनरी इंस्टॉल होती है, इसमें 20,000 का खर्चा आता है। सो इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। फर्दर इंफॉर्मेशन को इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है कि रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन से समराइज्ड इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। ये समराइज्ड इंफॉर्मेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। अब जब इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली तो नेक्स्ट स्टेप आता है कम्युनिकेशन का। जो इन्फॉर्मेशन अब तक जनरेट की है उसे मैनेजमेंट और अदर यूजर्स को कम्युनिकेट किया जाता है अकाउंटिंग रिपोर्ट्स की मदद से। अकाउंटिंग सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जिससे कि राइट इन्फॉर्मेशन राइट पर्सन को राइट टाइम पर मिले। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पे। देखिए, एक बिजनेस में बहुत से लोगों को इंटरेस्ट होता है, जैसे कि सीईओ, इन्वेस्टर्स या प्रमोटर्स, क्रेडिटर या बैंक अथॉरिटीज, टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज। इन लोगों को कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है अपने अपने डिसीजंस लेने के लिए। जैसे सीईओ को कंपनी की ग्रोथ को लेकर डिसीजन लेने के लिए डाटा चाहिए होता है, इन्वेस्टर को जानना होता है कि उनकी कैपिटल पे कितना रिटर्न मिल रहा है, बैंकर को कंपनी की क्रेडिट वर्थिनेस जाननी होती है, टैक्स अथॉरिटी को टैक्स असेसमेंट के लिए डाटा चाहिए होता है। अब ये सीईओ और प्रमोटर इन्वेस्टर, ये लोग कंपनी के अंदर के बंदे होते हैं, इसलिए इन्हें इंटरनल यूजर कहते हैं, और क्रेडिटर, बैंकर्स, कस्टमर्स, टैक्स अथॉरिटीज, ये सब लोग कंपनी के बाहर के लोग होते हैं, इसलिए इन्हें हम एक्सटर्नल यूजर्स कहते हैं। दोस्तों, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, अभी के लिए हम इसे यहीं पे छोड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन को। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बोला था कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक इवेंट्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड और कम्युनिकेट करते हैं इंटरेस्टेड यूजर्स को। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से अब आपको अकाउंटिंग की ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो यहाँ खत्म होता है हमारा अकाउंटिंग की डेफिनेशन का ये टॉपिक। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सो दैट आप हमारी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।